नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे मेरे कलेक्शन के स्टैंपों में से कुछ ऐसे स्टैंप्स जो इंडियन डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को समर्पित थे। मेरे कलेक्शन में मौजूद इंडियन डिफेंस को समर्पित पहला स्टैंप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF को समर्पित था। ये 60 पैसे का स्टैंप 27 जुलाई 1989 यानी 27 जुलाई 1989 को इशू किया गया था। दूसरा स्टैंप 1985 यानी 1985 में जारी किया गया 1 रुपये का स्टैंप था जो कि असम राइफल्स को समर्पित था। तीसरा स्टैंप 1989 यानी 1989 में इशू किया गया मिलिट्री फार्म्स के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। अगला स्टैंप 21 फरवरी 1990 यानी 21st of Feb 1990 में इशू किया गया 60 पैसे का 2 स्टैंप्स जारी हुआ था जो कि इंडियन डिफेंस कंटिजेंट द बॉम्बे सैपर्स को समर्पित था। 12 अगस्त 2008 यानी 12th अगस्त 2008 में इशू किया गया ये 4 स्टैंपों का सीरीज इंडियन कोस्ट गार्ड को समर्पित था जो कि कोस्ट गार्ड के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में जारी किया गया था। अगला स्टैंप 1 जनवरी 2000 यानी 1st of January 2000 में जारी किया गया DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई अग्नि 2 मिसाइल को समर्पित था। ये स्टैंप मेरे उन कुछ स्टैंपों में से एक है जिनसे मैं प्रेरित होकर स्टैंप कलेक्शन की हॉबी को मैंने अपनाया था। ये स्टैंप 12 फरवरी 1984 यानी 12th ऑफ फेब 1984 में इशू किया गया था। इस स्टैंप का नाम प्रेसिडेंस रिव्यू ऑफ द फ्लीट रखा गया था। ये 4 स्टैंपों का समूह हर एक स्टैंप 1 रुपये के मूल्य का था। ये 5 रुपये के 3 स्टैंप्स का मिनिएचर शीट 7 दिसंबर 2017 यानी 7th दिसंबर 2017 को जारी किया गया था और ये मिनिएचर शीट INS कलवरी को समर्पित था। अगला स्टैंप 24 अक्टूबर 2004 यानी 24th अक्टूबर 2004 में इशू किया गया एक 5 रुपये का स्टैंप था जो कि इंडियन आर्मी इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस को समर्पित था। ये रेवेन्यू स्टैंप है और बाकी के 2 सर्विस स्टैंप्स का प्रयोग सिर्फ भारत सरकार के ऑफिसों के बीच कम्युनिकेशन करने के उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।